जगह पहुंचने में इतना डर लगता है लोगों को, इतना डर लगता है कि वहाँ पहुंचना असंभव हो जाता है। तो राम राम दोस्तों, आज हम कुछ नए काम से जा रहे हैं और एक ऐसे काम के लिए जा रहे हैं जिसमें गरीब लोगों के भला हो। और क्या वो काम हो सर, विशेष जो है हमारे दोस्त बताएंगे क्या क्या काम करने के लिए जा रहे हो, कहाँ जा रहे हैं बोला? अभी हम सूजगढ़ा प्रखंड के राजघाट में जा रहे हैं, जो कि नया आदिवासी क्षेत्र है। और मेरा एक ही उद्देश्य रहता है कि जो कोई भी सेवा मतलब हर एक क्षेत्र में पहुंचे, उस सेवा और उस कार्य को हम ग्रामीण और पिछड़े जाति तक यानी कि आदिवासी तक भी पहुंचाने का काम करेंगे। और उस जगह पहुंचने में इतना डर लगता है लोगों को, इतना डर लगता है कि वहाँ पहुंचना असंभव हो जाता है। तो दोस्तों जैसे कि देखिए, हमारे दोस्त अभी बताए थे कि उस जगह पे, जिस जगह पे अभी हम लोग जा रहे हैं वो काफी खतरनाक जगह है, वहाँ का नाम सुनकर लोग को डरता है। और हम लोग हिम्मत बांध के वहाँ जा रहे हैं। हमारे साथ एक और है हमारे नेताजी, ये देख सकते हैं कैसा लग रहा नेताजी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है? हाँ, तो ये देखते हैं हमारे साथ एक है जो नेताजी, इनको नाम से घोषित किया जाता है। अभी फिलहाल में जलपा स्थान के क्रॉस कर रहे हैं, देख सकते हैं इस वाले रोड से हम लोग पीछे भी आते उतर सकते थे बाइक से, बट अभी फोर व्हीलर से जा रहे हैं तो थोड़ा सा घूम के वो टर्निंग लेके जाना पड़ रहा है। मैं भी जलपा स्थान में क्रॉस ही कर रहा हूँ, है ना। देखिए आज पूरा सन्नाटा है जलपा स्थान में, क्योंकि आज मंगलवार नहीं, मंगलवार का दिन यहाँ भीड़ रहता है ना बोला? हाँ, मंगलवार और शनिवार। हाँ, मंगलवार का दिन यहाँ भीड़ बहुत ज्यादा रहता है। तो अभी फिलहाल हम लोग चल रहे हैं, देखते हैं क्या दोस्तों है। देखते हैं यहाँ से दो रास्ता जा रहा था, एक रास्ता उधर जा रहा था और एक रास्ता इस एरिया से जा रहा है। वो वाला रास्ता डैमेज था ना बोला? हाँ, बहुत ज्यादा खराब रास्ता था, इस वजह से हम थोड़ा इधर से 4 किलोमीटर हमें घूम ये वाला एरिया ना, ये रामसीर क्रॉस करके हम लोग निकलेंगे ना, रामसीर का। हाँ, तो ये वाला जो है रामसीर होते हुए हम निकलेंगे। और देखते हैं अभी खेत पूरा खाली खाली सा लग रहा है और मजा आएगा, और देखते हैं क्या काम होता है वहाँ जाने के बाद, पता चलेगा क्या एंजॉय मिलता है, क्या दिक्कत का सामना करना पड़ता है, क्योंकि शिक्षित एरिया वो है ही नहीं वहाँ पे, जैसा कि बताया जा रहा है ना बोला। उन सबको हम सिखाएंगे फिर भी नहीं मानेगा लोग, वो ठगने वालों का बात मानेगा और अच्छे लोगों का बात नहीं मानेगा, इसलिए कि ठगने वाला जो है अच्छे अच्छे बातें करते हैं और उसे जाल में फंसाते हैं। मेरा काम है शिक्षित एरिया रहता है तो थोड़ा सा वहाँ पे कोई दिक्कत का सामना नहीं करना, बट वो शिक्षित नहीं है तो थोड़ा सा मतलब एक होता है ना भैंस मोट का दिमाग लगेगा और लोग मतलब हम लोग कोई गलत साबित करने का कोशिश बोलेगा कि ऐसा कुछ ठग वगैरह करके चला जाएगा, उनको काफी तरीके से अच्छे तरीके से समझाना पड़ेगा, उनके पास विश्वास जगाना पड़ेगा, फिर जाके वो काम करने के लिए रेडी होगा, काम करने देगा हम लोगों को। चलते हम लोग बहुत सारा चीज बनाएंगे, आयुष्मान कार्ड होगा और पेंशन का KYC वगैरह ऐसा चीज होगा, वो सारी चीज हम लोग कम्प्लीट करेंगे, है ना। देखते हैं अभी रास्ता क्रॉस करें और रामसीर गांव हेल एंट्री ले लिए, यहाँ से फिर हम वहीं जाएंगे, यहीं से ना? नहीं, जिस जगह अभी रास्ता खराब था हाँ। वहीं जाएंगे, लेकिन 4 किलोमीटर मेरा खराब। अच्छा, 4 किलोमीटर हमको घूर के जाना पड़ रहा है ना। हाँ, जाएंगे उसी जगह पर। हाँ, अगर उस रास्ते से हम लोग जाते तो 4 किलोमीटर हम लोग को बच जाता, तो समझ सकते हैं कि रास्ता खराब हो रहा के कारण 4 किलोमीटर हमको टर्निंग लेना पड़ रहा है। देखते हैं क्या आता है, जो रास्ते का मजा आप लोग को देते ही रहेंगे। फिलहाल अभी हम लोग गाना वगैरह बजा के इंजॉय करते हुए, देखते हैं सॉन्ग बजाते हुए जा रहे हैं, इंजॉय करते हुए, क्या बोला, मजा आएगा ना? हाँ जरूर, नहीं मजा क्या आएगा यार, वहाँ लड़ाई भी हो सकता है। कोई बात नहीं यार, वो भी सकता है, लेकिन हिम्मत हम लोग देखिए हम जाते नहीं है जल्दी, बहुत प्रेशर आता है उस क्षेत्र के लोगों से कि आप लोग इधर उधर काम करते हैं, मेरे तरफ भी थोड़ा सा आके सुविधा दिलवा दीजिए, क्योंकि उधर कोई सुविधा मिल नहीं पाता इसलिए। और उन सबके पास से जो जैसे कि हम लोग मार्केट में अगर जो किसी से 50 रुपए में कोई काम कर रहे हैं बाजार में, और ऐसा नहीं है कि मेरा शॉप नहीं है, शॉप है, तो हम चाहते हैं कि बस उतना ही पैसा में इनको घर तक सुविधा दे सके, तो जिससे कि थोड़ा सा लोग को सुविधा मिल जाए, बस यही है। तो चलते देखते हैं क्या होता है। हिम्मत हम लोग का है कि हमारे साथ एक नेताजी है पास में, तो इसलिए हिम्मत हम लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा, देखते जो होगा देखा जाएगा, बाकी नेताजी तो है ही साथ, है ना। तो चलो चलते हैं और आगे आप लोग को मिलते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा बता रहे, कोई दिक्कत नहीं होगा, बस काम करेंगे और आगे अगर अच्छा मतलब इसका रिस्पॉन्स अगर अच्छा मिला हम लोगों को, तो नेक्स्ट बार जो कोई भी समस्या होगा तो उनको भी लेके हम वहाँ पे पहुँचने का काम करेंगे ना जरूर, और उनको भी सॉल्व करने का काम करेंगे। बट देखते हैं इस बार क्या होता है, वहाँ से क्या मिलता है, फीलिंग मिलता है, फील होता है, उसके बाद पता चलेगा। चलते हैं।